बाकी में 5 रुपए। 5 रुपए मगर मीटर में तो 12 रुपए गिरा लाए। लेकिन पेट्रोल तो 5 रुपए का ही फूका है। अच्छा टैक्सी क्या तेरा बाप का है क्या? बाप का नाम मत लेना। ठीक है ठीक है, ये 5 रुपए भी तू रख ले, तेरे दहेज में काम आएंगे। ठीक है, कोई अच्छा सा लड़का फटाफट के शादी कर ले, ये रोज रोज का मारा मारी नाच करना तेरा। बेनजीर, हम तुमसे निकाह करेगा। ये नामुमकिन है बादशाह का। बादशाह नामुमकिन को मुमकिन करके रहेगा। इसके लिए तुम्हें हिंदुस्तान की खाक छाननी पड़ेगी। छानेगा? ये क्या पागलपन है बादशाह? मेरे अब्बा के कातिल हबीबुल्लाह का सर लाना पड़ेगा। लाएगा, होश में आओ बादशाह खान, होश में। इस इम्तिहान में तुम्हारी जान भी जा सकती है। बहुत पहले ही कुर्बान हो चुकी है तुम पर बेनजीर। बादशाह खान, अगर ऐसा हुआ तो बेनजीर तुम्हारी हो जाएगी। बेनजीर, तुम हमारी हो गई। तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? मेरी सहेलियों ने जो महसूस किया वो बोल दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती ये है कि अपनी बदतमीज सहेलियों को अच्छी तरह जानते हुए भी तुमने उन्हें यहाँ आने की दावत दी। आज के बाद तुम्हारी कोई भी सहेली इस घर में नहीं आएगी, समझे? इसका मतलब तुम मुझे इस घर की 4 दीवारी में कैद कर देना चाहते हो। ठीक है, मैंने ही तुमसे शादी करने की जिद की थी, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मेरी आजादी छीन लोगे। आज मेरी सहेलियों के आने पे पाबंदी लगा रहे हो, कल ये कहोगे कि मैं अपनी कार के बजाय बस में साक्षी जाऊँ ताकि मोहल्ले वाले तुम्हारी माँ को ताना ना दें। किन किन लोगों के मुंह बंद करके फिरूंगे? अगर मैं अमीर हूँ इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तुम उधर देखो, वो रोमिया उधर बैठ के लाइन मार रहा है और तुम लोग मेरे से जॉगिंग करा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोग को? कौन मैं? नहीं वो मैं नहीं यार, बाजू वाली। अच्छा अच्छा, पूजा, ओ पूजा देख कैसे इशारा कर रहा है। ये मजनू तो दीवाना भी है। तुम तो ऐसे न थे, तुम्हारा दिल तो हिंदुस्तानी था, प्यार था तुम्हें हिंदुस्तान से। गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस। मैं पूछता हूँ, कौन सा पाप कौन सा गुनाह किया है इसने? किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसे? क्या एक विधवा को दोबारा जिंदगी बसाने का हक नहीं? क्या उसे भी हंस खेल कर जीने का हक नहीं? अगर ये समाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठोकर मारता हूं मैं इसे समाज को। आज मैं सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान करता हूं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी आइए और हमारी इज्जत को लुटने से बचाइए। एसीपी साहब देखिए, वो कमीना क्या गजब गा रहा है, एक विधवा की मौत में सिंदूर भर रहा है। रुक जाओ अजय। हाँ जी सुनते हो जी, मैंने कहा। क्या कहा काजल? वो 6 नंबर वाली गौरी की चाची है ना, उसने 4 तोली की चेन बनवाई है और वो पुष्पा नक्षड़ी उसके घर में कलर टीवी आ गया 24 इंचेस। सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रही है, पता नहीं हम लोग कब वीसीआर और टीवी खरीदेंगे, कब तक हम दूसरों के घर पे जाकर टीवी देखते रहेंगे। ये कहाँ चले गए?